So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11, sorry 10th chemistry. It is organic chemistry. We are in the video number 16, video 15, 14 देखे होंगे. मीथेन के बारे में पढ़ चुके हैं, इथेन के बारे में पढ़ चुके हैं, इथीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इथाइन के बारे में, और यही आपका लास्ट टॉपिक भी है. इथाइन जानते हैं हम लोग क्या है, इसका दूसरा नाम भी है एसिटिलीन. इथाइन बोलिए, एसिटिलीन बोलिए, एक ही बात है. फार्मूला सबको जानते हैं, C2H2, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन का पार्ट है ये, मतलब अल्काइन है. इथाइन पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी. बॉन्ड देखें, एक ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास, कार्बन का चार बॉन्ड हो गया, ऐसे बॉन्ड दिखा सकते हैं हम लोग. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, दो मेथड है इसका आपका सिलेबस में, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर. तो कैल्शियम कार्बाइड फार्मूला होता है CaCl2, कैल्शियम कार्बाइड को अगर वाटर में बूंद बूंद डालेंगे ना, तो गैस जो निकलता है वो इथाइन गैस होता है, या एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको. और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का PPT नीचे की ओर बैठ जाता है. एकदम सिंपल मेथड है. व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड विथ वाटर, आंसर इज इथाइन गैस इज फॉर्म्ड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये गैस हवा से हल्का होता है, इसको हम लोग जमा कर सकते हैं. डाई ब्रोमो इथेन से भी, डाई देखिए दो ब्रोमो इथेन, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड और ब्रोमीन लगा दीजिए, यह है इसका नाम है. डाई ब्रोमो इथेन को KOH के साथ बस सिंपली मिक्स कर दीजिए, तो बनता है इथाइन गैस. दो ही मेथड दिया हुआ आपका सिलेबस में, तो दो ही मेथड पढ़ना है देखो. इथाइन प्लस क्या KBr और 2H2O, ये दोनों मेथड है. एग्जाम में आता है डाई ब्रोमो, देखिए डाई ब्रोमो इथेन नाम है इसका, एंड KOH विल गिव यू इथाइन. तो ये दो मेथड पढ़ना, कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनता है और डाई ब्रोमो इथेन से कैसे बनता है. इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस गैस है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा स्मेल है, लेकिन ये पॉइजनस है, जहरीला होता है, स्वीट स्मेल है लेकिन पॉइजनस है. थोड़ा सा वाटर में घुलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मीथेन थोड़ा सा घुलता है, इथीन बिल्कुल नहीं घुलता है, तो ये थोड़ा सा वाटर में घुल जाता है ये गैस. सॉल्यूबल लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल ईथर सब में आराम से घुल जाता है, और ये हवा से हल्का होता है, यही इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइटर देन एयर, हवा से हल्का, जितना प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. बस नोट कर लीजिए, इसका केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे भी. इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, ये रिएक्शन ऑफ इथाइन, इथाइन का दूसरा नाम क्या है एसिटिलीन, इथीन का दूसरा नाम है इथिलीन, इसको सबसे ज्यादा इथाइन नाम से जाना जाता है इसको. इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, सब जानते हैं, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. सबसे पहले तो ये इन एयर सबको, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एयर में क्या हो जाता है, जल जाता है, सब में एक ही आंसर आता है कंबसन. अगर C2H2 एसिटिलीन को अगर ऑक्सीजन के साथ जल, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, और एक फ्लेम निकलता है ना, एकदम हीटिंग वाला एक फ्लेम निकलता है. वही फ्लेम से हम लोग इससे भी वेल्डिंग कर सकते हैं, इथाइन से भी करते हैं, इथीन से भी करते हैं, वेल्डिंग करने में काम आता है ये फ्लेम. CO2 गैस निकलता है, वाटर निकलता है, साथ में एक फ्लेम निकलता है, ये फ्लेम वेल्डिंग के लिए यूज होता है, इसका नाम है इथाइन. बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5, 2, 4 ऐसे बैलेंस कर सकते हैं. इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन. विथ क्लोरीन, विथ हाइड्रोजन, विथ ब्रोमीन, HCl, HBr, ट्रिपल बॉन्डेड C, ट्रिपल बॉन्ड C. अगर इसको हम लोग क्लोरीन गैस इन सनलाइट देंगे
ट्रिपल को पहले तो वो डबल बना देगा, ट्रिपल को डबल, पिछले में पढ़े हैं डबल को सिंगल, और दो दो को सीएल उसमें क्या होगा, एड हो जाएगा, दो दो को सीएल इसमें एड हो जाएगा, और इसका नाम है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या बोलेंगे, इथ डबल बोलो क्या बोलते हैं लोग, इन डाइक्लोरो इथीन बन जाता है। अगर आप और देंगे, अगर और देंगे क्लोरीन इन सनलाइट तो ये क्या होगा, एच सी सी एच है, ऊपर भी दो क्लोरीन और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर से दो को और ऐड हो जाएगा, बस इतना रिएक्शन होता है। इसका नाम है टेट्रा, चार क्लोरीन है तो क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रा क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो नाम पड़ गया इथेन, इथाइन था, इथाइन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लोरीन इन सनलाइट को ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल से डबल थीन बन गया और दो क्लोरीन एड हो गया, इसका नाम है डाइक्लोरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वन टू मतलब एक और दो में, एक में भी है दो में भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं, वन कोमा टू डाइक्लोरो इथीन। अब यहाँ पे क्या बन गया, टेट्रा, चार को क्लोरीन एड हो गया। उसी प्रकार सेम रिएक्शन है, सब रिएक्शन का नाम है विथ क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन से भी सेम रिएक्शन होगा, एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, क्या नाम है इसका, इथाइन। अगर इसको क्या देंगे हम लोग, ब्रोमीन इन सनलाइट, एच डबल बॉन्ड हो जाएगा पहले तो, और ब्रोमीन दो दो को ब्रोमीन, तो इसका नाम पड़ गया डाई ब्रोमो इथीन, वन कोमा टू भी लिख सकते, एक और दो में है। और ब्रोमीन देंगे तो क्या होगा, और ज्यादा ब्रोमीन देंगे तो क्या होगा, एच सी एच है, ऊपर है पहले से दो दो को ब्रोमीन है, और दो ब्रोमीन और हो जाएगा, इसका नाम हो गया टेट्रा, मतलब चार गो इसलिए टेट्रा नाम पड़ गया, ब्रोमो भी हो गया इथेन। तो ऐसे रिएक्शन शो करता है ऊपर लिख दे रहे है ना, क्या होगा, एच सी सिंगल बॉन्ड एच पहले से ब्रोमीन ये था और दो गो और हेड हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिएक्शन, कौन सा, एडिशन रिएक्शन, ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल, ब्रोमीन से रिएक्शन या क्लोरीन से, इसका नाम पड़ गया टेट्रा ब्रोमो इथेन, इथीन डबल बॉन्ड के चलते, सिंगल बॉन्ड के चलते, क्लोरीन और ब्रोमीन से सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे देखिए विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसका नाम है इथाइन प्लस हाइड्रोजन, ट्रिपल से क्या होगा डबल और दो गो हाइड्रोजन एड हो जाएगा, इसका नाम पड़ गया इथीन, इथाइन से इथीन, और अगर देंगे हाइड्रोजन तो अब हो जाएगा सब सिंगल बॉन्ड, एकदम इजी रिएक्शन है, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, और इसका नाम पड़ गया इथेन। क्लियर है, इन प्रेजेंस ऑफ पूछे तो प्लेटिनम या निकेल कुछ भी लिख सकते हैं, निकेल के प्रेजेंस में ऐसा करता है। बारी बारी से व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइन इज हीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, द आंसर इज फर्स्ट इट फॉर्म्स इथीन एंड देन इथेन, ये बनाता है। और देखिए विथ HCl है ना, HCl एसिड सबको करता है HCl से, ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या दीजिएगा HCl, तो क्या बन जाएगा ट्रिपल से डबल और एगो में H और एगो में Cl, तो इसमें क्लोरो बना, क्लोरो इथीन नाम है, इथाइन से क्या बन गया HCl में एगो H एगो Cl, पूरा एकदम इजी नाम है, इसी का नाम है एडिशन रिएक्शन। और दीजिएगा HCl तो क्या हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड H, पहले से क्या है Cl है कि नहीं, फिर एगो Cl एड हो जाएगा और H, इसका नाम हो गया डाई क्लोरो इथेन। अंडरस्टूड, एक विथ HBr से बोल देगा तो क्या करेंगे HBr,
एच सी ट्रिपल बोंड सी एच प्लस एच बी आर एच डबल बोंड हो जाता है। अब इसमें एगो में बी आर और एगो में एच जुड़ जाएगा, इसका नाम पड़ गया ब्रोमोइथीन। इन बोल रहे हैं, देखिए इन डबल के चलते। अब क्या देंगे, और एक बार एच बी आर दीजिएगा तो एच सी सिंगल बोंड हो गया, पहले से बी आर और क्या है एच है, अब एगो एच बी आर फिर एड हो जाएगा, अब सिंगल बोंड हो गया। बोंड पूरा देखिए, चार चार बोंड हमेशा रहता है कार्बन का, और इसका नाम पड़ गया डाई ब्रोमो इथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है पोलीमराइजेशन। इथीन का भी था, पोलीथीन बना था, इसमें क्या बनता है ना, सुनिए। लार्ज नंबर ऑफ C2H2 इथाइन को अगर पोलीमराइज, तीन तीन मॉलिक्यूल एक साथ देंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में तो कंबाइन हो जाएगा, एक सिंगल लार्जर मॉलिक्यूल बन जाएगा C6H6, इसका नाम है बेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है पॉलीमराइजेशन। व्हेन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देन बेंजीन इज फॉर्म्ड, तब क्या बनता है, बेंजीन बनता है। When three molecules of ethyne is heated at high temperature and high pressure, then benzene is formed. Three molecule ethyne ka is heated at high temperature and high pressure, then benzene is formed. तो benzene बनता है। इस reaction को बोलते हैं हम लोग polymerization. This रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। आता है एग्जाम में, जिसे हम लोग पढ़े थे याद है, इथीन के बारे में, इसके लार्ज नंबर जोड़ेंगे, हजारों मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो क्या था, सिंगल लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है, इसका नाम था पॉलीथीन, इसका नाम है बेंजीन, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर कोई भूलेगा तो ऐसा तो नहीं पढ़ना सिलेबस में, छः छः कार्बन आपस में एक मॉलिक्यूल बन गया, तीन तीन गो C2H2, तीन तीन मॉलिक्यूल ऑफ C2H2 कंबाइन हो गया आपस में, हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर में टू फॉर्म क्या, बेंजीन बन जाता है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, नोट कर लीजिए, और ये बेंजीन का साइन है। वैसे लास्ट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का जुटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ H2O एंड अगर ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन नहीं है, एयर में रहेगा CO2 बन जाएगा, अगर ये लेबोरेटरी से हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं विथ वाटर, अगर हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड देन इथेनोइक एसिटिक एसिड बन जाता है, क्या बनता है, एसिटिक, याद है एसिड पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला जानते होंगे, या बोलते हैं इसको क्या, इथेनोइक, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड बन जाता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन रहे C2H2 प्लस ऑक्सीजन नॉट वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 दिया, ऐसा दिया और अगर बोलेगा फिल अप द ब्लैंक्स, तो बनता है इसमें ऑक्जेलिक एसिड CH2, इसमें बनता है ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल 2, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड इज फॉर्म्ड। दोनों को रट लीजिए, कोई उपाय नहीं है, इथाइन का रिएक्शन इथाइन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, इतना लिखा हुआ रहेगा, क्या बनता है तो बोलिए, है ना, कार्बन है या तो एसिड है, दो कार्बन को एसिटिक एसिड बोलते हैं, या इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड, आपको ये एक डॉट लाइन में भरना पड़ेगा 1 मार्क के लिए। उसी प्रकार इथाइन को ओनली ऑक्सीजन नॉट वाटर, देखिए दोनों अंतर देखिए,
और इसका अल्कलाइन KMnO4, मतलब अल्कलाइन होना चाहिए, मतलब बेसिक KMnO4 होना चाहिए, तो एक नया कंपाउंड बनता है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड बनता है। तो यही इतना रिएक्शन है, एकदम एडिशन रिएक्शन, ये सब ज़्यादा इम्पोर्ट है। H2Cl2Br2SCl एक के टाइप का, सब सब में ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। एंड ऑक्सीडेशन देख लीजिए, पॉलीमराइजेशन देख लीजिए, एंड कंबसन रिएक्शन नोट कर लीजिए। तो इसी तरह इथाइन का भी यूज है, वेल्डिंग में ही काम आता है, इथिन भी काम आता है, इथाइन भी काम आता है। इथाइन ज़्यादा इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, कार्ब C2H2 को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 प्लस वाटर प्लस फ्लेम निकलता है, है ना, वेल्डिंग में काम आता है। उसको हम लोग टॉर्च के रूप में भी यूज कर सकते हैं, है ना, टॉर्च के रूप में, गैस को बस अगर हम लोग निकाल के यूज करेंगे तो जलते रहेगा, गैस के रूप में, लाइट मतलब गैस के रूप में टॉर्च की तरह यूज कर सकते हैं। राइपेनिंग फ्रूट्स को पकाने में इथीन भी आता है, इथाइन भी आता है, और अनेस्थेसिया के रूप में, अनेस्थेटिक पर्पस मतलब बेहोश करने में डॉक्टर लोग इसको यूज करता है। क्लियर है? तो खत्म हो गया, एकदम इतना अच्छा से पढ़ लीजिए इसको, जाके रीडिंग कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी का भी आ सकता है। इथेन इथीन इथाइन इस बार सिलेबस में छोटा कर दिया है, अल्कोहल सब हटा दिया है, तो आपके लिए ईजी हो गया है। इतना ही पढ़ना है, एक क्लास और देंगे, मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, नोट कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।